यह कहानी एक बंदर का कलेजा और मगरमच्छ के बारे में है। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़े पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे आम लगते थे और मजे में दिन गुजार रहा था। तभी एक दिन नदी में से एक मगरमच्छ भोजन की तलाश में आम के पेड़ के नीचे आया। पेड़ पर से बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई? मगर ने बंदर की ओर देखकर कहा, मैं मगर हूँ, बड़े दूर से आया हूँ, खाने की तलाश में यहाँ ही घूम रहा हूँ। बंदर ने कहा, यह खाने की कोई कमी नहीं है, इस पेड़ पर देखो आम लगते हैं। यह कहकर बंदर ने कुछ पल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ अब रोज मीठे आम खाने के लिए नदी के किनारे पेड़ के नीचे आता था। एक दिन मगरमच्छ तोड़े आम अपने पत्नी के लिए लेकर गया। उसकी पत्नी को वो फल बहुत स्वादिष्ट लगे। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि ये फल तुम कहाँ से लाते हो? तो मगरमच्छ ने कहा कि नदी के किनारे मीठे आम के पेड़ पर मेरे बंदर दोस्त रहता है, वही फल देता है मुझे। ये सुनकर उसकी पत्नी के मन में लालच आया और वो मगरमच्छ से बोली कि मैं उस बंदर की जिगर खाना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए उस बंदर को यहाँ ले आओ। पहले तो मगरमच्छ ने मना कर दिया, लेकिन उसके पत्नी जिद करने लगी। मगरमच्छ बहुत ही परेशान हुआ और चुपचाप बंदर को लेने के लिए नदी के किनारे मीठे पल के पेड़ के नीचे गया। वहां पहुंचकर मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर को बुलाया। बंदर जल्दी से आ गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि आज मेरे पत्नी ने तुमको दावत पर बुलाया है। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और पानी में चलने लगा। जब मगरमच्छ पानी के बीच में पहुंचा तो उसने सोचा कि अब बंदर को सच्चाई बताने में कोई हानि नहीं है। उसने बंदर से सब सच बता दिया कि मेरे पत्नी तुम्हारे दिल खाना चाहती है। मगरमच्छ की ये बात सुनते ही बंदर का दिल टूट गया। उसको बहुत दुख हुआ, परंतु बंदर ने हार नहीं मानी। बंदर ने जल्दी से बचने की तरकीब सोची। बंदर जल्दी से बोला, अरे मेरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये बात? मैं मेरे दिल तो आम के पेड़ पर ही भूल गया हूँ, अब मुझे जल्दी से आम के पेड़ के पास ले चलो। मूर्ख मगरमच्छ पल के पेड़ की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो आम के पेड़ के करीब पहुंचा तो बंदर तेज से कूदा और आम के पेड़ पर चढ़ गया और गुस्से में बोला, मूर्ख, कोई दिल के बिना जिंदा भी रह सकता है? तूने मुझे धोखा दिया है तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मुसीबत के क्षण में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए और मित्रता का सदैव सम्मान करें। शेर और पेड़। एक बार पेड़ों के जुड़ के साथ एक घास पर एक छोटी बेर चराई गई थी। बहुत शरारती होने के कारण छोटी बेड़े बेड़ों से कुछ दूरी दूर घूमती थी। यहाँ वहाँ पाए गए ताजा और स्वादिष्ट घास खा आनंद लेना शुरू कर दिया। यह अपने समूह से एक लंबा सफर तय किया था, लेकिन उससे अनजान था। बेड़ भी एक और सत्य से अनजान थी। एक शेर इसका पीछा कर रहा था। जब बेड़ों को एहसास हुआ कि यह अपना रास्ता को गए है और जून से बहुत दूर था, तो उसने वापस लौटना और उसने जुड़ने का फैसला किया। हालांकि बेड़े भूखे और चलाक शेर को पीछे खड़े देखने के लिए चकित हुए। बेड़ों को एहसास हुआ कि शेर को आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
बेड़म ने शेर से पूछा, क्या तुम मुझे खाना जा रहे हो? शेर ने कहा, हाँ किसी भी परिस्थिति में। बेड़म ने फिर से कहा, लेकिन क्या अब कुछ और समय इंतजार कर सकते हैं? मैं अब बहुत घास खाई है और मेरा पेट घास से भरा हुआ है। यदि आप अब मुझे खाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप घास खा रहे हैं। तो कृपया घास पचने तक प्रतीक्षा करें। शेर सहमत हो गया। हाँ मैं इंतजार करूँगा, तुम मेरे सामने यहाँ हो, मैं और कुछ समय इंतजार करता हूँ। बेड़म ने शेर का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद शेर बेड़म को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बेड़म ने उसे फिर से रोक दिया। प्रिय शेर, कृपया कुछ और समय के लिए प्रतीक्षा करें। घास अभी तक पचाया जाना है। यदि तुम अब मुझे खाओगे, तो आप मेरे पेट में बहुत घास देखेंगे। मुझे नाट्य करने दो और फिर इसे आसानी से पचाया जाएगा। शेर सहमत हो गया। थोड़ी देर के लिए छोटी बेड़ी पागलपन से नाच किया और फिर अचानक बंद कर दिया। शेर ने पूछा कि क्या हुआ था। बेड़म ने कहा, मैं ठीक से नाट्य नहीं कर सकता क्योंकि कोई संगीत नहीं है। तुम मेरी गर्दन के चारों और इस घंटी को देखते हो, क्या आप इस घंटी को खोल सकते हैं और इसे जोर से बस कर सकते हैं? तब मैं तेजी से नाट्य कर सकता हूँ और मेरे पेट में घास भी तेजी से पच जाएगा। शेर बेड़ खाने की इच्छा से ऊपर गया, कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने बेड़ की गर्दन से बंधी घंटी को हटा दिया और उसे अपनी सारी शक्ति के साथ बजाई। इस बीच चरवाहे छोटी बेड़ों की कोच कर रहा था और घंटी बजती सुनाई था। उसने शेर और बेड़ को देखा, वह एक छड़ी के साथ शेर की ओर भाग गया। एक छड़ी के साथ चरवाहे को देखकर शेर भाग गया और बेड़े बचाई गई। नहीं तो शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं है। कभी कभी चतुर दिमाग वाले कमजोर लोग शारीरिक रूप से मजबूत लोगों को दूर कर सकते हैं। अपनी आंखें खोले। एक बार एक समय पर एक शेर था जो इतने बूढ़े हो गया कि वह किसी भी शिकार को मारने में असमर्थ था। उसका कहना तो उसने कूच से कहा, मुझे मेरे पेट को रहने के लिए कुछ करना होगा और मैं मर जाऊंगा। उसने सोच और सोच रखा और अंत में एक विचार ने उसे क्लिक किया। उसने झूठ बोलने का फैसला किया। गुफा बीमार होने का नाटक करता है और फिर कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए आ जाएगा। उसका शिकार बनो। पुराने शेर ने अपनी दुष्ट योजना को अभ्यास में डाल दिया और यह काम करना शुरू कर दिया। अनेक उनके शुभ चिंतकों की हत्या हो गई, लेकिन बुराई कम रहता है। एक दिन एक लोमड़ी बीमार शेर का दौरा करने आया था। चूंकि प्रकृति द्वारा लोमड़ी चतुर है, लोमड़ी कलाता गुफा का मुंह और देखा। उनकी छटी भावना काम करती थी और उन्हें पता चला वास्तविकता। तो उसने बाहर से शेर को बुलाया और कहा, तुम कैसे हो महोदय? शेर ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अंदर क्यों नहीं आते? फिर लोमड़ी ने जवाब दिया, मुझे अंदर आना अच्छा लगेगा महोदय, लेकिन देखकर सभी पैरों के निशान आपके पास जा रहे हैं। गुफा और कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, मैं अंदर आने के लिए मूर्खतापूर्ण होगा। ऐसे कहकर लोमड़ी अन्य जानवरों को सतर्क करने के लिए चला गया।
एक शहर चूहा और एक गांव चूहा। एक शहर चूहा और एक गांव चूहा दोस्त थे। गांव चूहा ने एक दिन अपने दोस्त को आने और घर पर देखने के लिए आमंत्रित किया। आपको आश्चर्यचकित करना। क्या आश्चर्य है? रात के खाने के लिए मेरे घर में आपका स्वागत है। ठीक है मेरे प्रिय मित्र। शहर चूहा आया और वे जौ के टुकड़ों के खाने के लिए बैठ गए और बाद वाले जड़े जीन में से एक स्पष्ट रूप से भूखा स्वाद था। स्वाद अतिथि के स्वाद के लिए ज्यादा नहीं था और वर्तमान में वह टूट गया। मेरे गरीब प्रिय दोस्त, आप यहाँ चींटियों से बेहतर नहीं रहते हैं। अब आपको देखना चाहिए कि मैं कैसे किराया करता हूँ। मेरा दादी बहुत नियमित रूप से सिंह है। आपको आना चाहिए और मेरे साथ रहना चाहिए और आप भूमि की चर्बी पर रहेंगे। तो जब वह शहर लौट आया, उसने गांव के चूहे को उसके साथ ले लिए और उसे आटा और दालिया, अंजीर और शहद और तितियम वाले एक भंडार में दिखाया। गांव चूहे ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और अपने दोस्त द्वारा प्रदान की जाने वाली विलासिता का आनंद लेने के लिए बैठ गया था। लेकिन इससे पहले कि वे अच्छी शुरुआत कर चुके थे, कुटार का दरवाजा खुल गया और कोई अंदर आया। दो चूहे घबराए और खुद को एक संकीर्ण और अत्यधिक असहज छेद में छुपाया। वर्तमान में जब सब चुप थे, वे फिर से बाहर निकल गए। लेकिन कोई और अंदर आया और वे फिर से विफल। यह आगंतुक के लिए बहुत अधिक था। अलविदा, उसने कहा। मैं नहीं हूँ। आप विलासिता की गोद में रहते हैं, लेकिन आप कतरों से गिरे हुए हैं। जबकि घर पर मैं जड़म और मकाई के अपने साधारण रात्रि भोजन का